हाय गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो जो स्पेशली हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि जो पिछले वीडियो में हमने गूगल एडमोब का स्पेशल ऐड लगाया था और उसमें हमने बार बार रीडोर सिस्टम को हमने अप्लाई कर रहा था, तो उस मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ क्लियरली कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, हमारे पास रहा हमारा मोबाइल का एप्लीकेशन, मतलब मोबाइल का डिवाइस का मिरर इमेज। मैं इसको एक बार रन करता हूँ अपने जो मोबाइल में है उसको, मैं इसका जो प्रोजेक्ट है उसको पहले रन करूँगा हम लोग, और देखने वाला हूँ कि मैं आपके बारे में और आपको इस चीज़ में क्या बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी किसी भी मोबाइल ऐप में स्ट्रेशियल ऐड को इंस्टॉल करते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, कोशिश कीजिएगा कि स्ट्रेशियल ऐड कम से कम दिखे स्टार्टिंग में, जब तक आपका ऐप का डाउनलोड 5K से ऊपर ना हो जाए तब तक आप स्ट्रेशियल ऐड को सिर्फ एक ऐड डाउनलोड रखें, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा रखते हो तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। हाय गाइस, मैं पवन कुमार, आप देख रहे हैं क्लिप टू क्लिप चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, अभी हमने जो प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ उससे पहले सबसे आपको दिखाऊँगा सबसे पहले कि डेमो में कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आपके सामने जो है हमारा जो लॉन्चिंग हो रहा है ये ऐप, और यहाँ देखिए हमारा जो ऐप जो है लॉन्च हो चुका है, स्प्लैश स्क्रीन होगा। अब यहाँ देखिए, जब हम क्लिक करते हैं आइटम वन पर, तो देखिए हमारे सामने पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था कि बैनर नीचे में जो दिया था बना हुआ था वो बना हुआ है, और साथ ही साथ जब इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो हमारा बैनर जो है ज्यों क्या त्यों, मतलब फिक्स पोजिशन पर फिट है। लेकिन जैसे ही हम इसको बैक प्रेस करते हैं, देखिए आपको मैं क्लियर करता हूँ कि जब भी किसी भी मोबाइल ऐप में स्ट्रेशियल ऐड को लगाइएगा तो फिजिकल डिवाइस को बैक प्रेस करना पड़ता है। ये हमारा वर्चुअल डिवाइस है, मतलब कि हमने फिजिकल को मिरर इमेज से सिस्टम रखा है। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ बैक, देखिए यहाँ जो हमारा ऐड है शो नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने वर्चुअल डिवाइस में बैक प्रेस किया था। दोबारा क्लिक करते हैं, कुछ टाइम जो हम लोग हैं इसको वेट करेंगे और इंतजार करेंगे क्या रियली में वर्क करता है। अब फिजिकल डिवाइस में हम बैक प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ दिख रहा है बैक प्रेस, देखिए हमारा बैनर एड जो है यहाँ लोड हो गया। कट करेंगे, वापस चला जाएंगे रिचार्ज के आइटम पर। तो देखिए, इस तरह से हम जब बनाए थे इसमें तो हमने क्या किया था, आपको मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ क्लियरली कि क्या इसमें नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो अकाउंट जो है सस्पेंड हो सकता है। अपने पिछले वीडियो में एक बात आपको नहीं बताई थी, बट इसमें आपको बताना पड़ रहा है हमको। देखिए, इसमें तो हमने लगाया था नहीं था, वेब व्यू वन से लगाया था। जब हमने अच्छा यहाँ ठीक है, पिछले में क्या किया था कि इसके नीचे जब हमने एड्स को लोड किया था, शो किया था एड को, उसके बाद हमने इसमें डिसमिस का जो फुल कॉन्टैक्ट बैक कॉल बैक था हमने किया था, उसके नीचे में हमने क्या किया था, फिर से ऐड को लोड कर रहा था। उस चीज़ को आपको रिपीट नहीं करना है, अगर आप रिपीट करते हो तो आपकी जो ऐप का जो है ऐड जहाँ जिस ऐप में आप ऐड लगा रहे हो वहाँ आपकी जो ऐड अकाउंट जो है सस्पेंड हो सकती है, क्योंकि आप पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हो। देखिए, हर जगह हमने रिमूव कर दिया, वेब व्यू टू में नहीं लगाया, सिर्फ वन में लगाया था, थ्री में देखते हैं। हमने बहुत जगह रिमूव कर दिया है इस डर से कि हमारा जो पॉलिसी जो है वायलेट ना हो जाए। अभी इसमें सिर्फ हमने वेब व्यू वन में ही लगाया था ताकि आपको मैं दिखा सकूं। इस तरह देखिए, सबसे पहले आपको मैं क्लियर करता हूं कि जितना यहाँ ऐड दिख रहा है, आप चलते हैं थोड़ा सा अपना वेबसाइट पर और थोड़ा सा वहां देखते हैं। रुकिए, वेबसाइट का नाम clip2code.com आपको पता ही होगा, ये रहा। स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखिए, यहाँ जब हमने बैक बटन में प्रेस किया था तो ये जो कोड है इतने ही कोड हमको पेस्ट करना है अपने वेबसाइट अपने ऐप में। अगर यहाँ हम कोई कॉल बैक लगाते हैं या फिर ऐड को दोबारा रिलोड करवाते हैं देन हमको वायलेशन का एरर मैसेज आ जाएगा और हमारा अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक फ्रैगमेंट में एक ऐड लगाए और उससे ऊपर मत लगाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फेसबुक के बारे में कि फेसबुक में कैसे यूज करते हैं इसका ऐड, और बहुत जल्द ही ऐड सीरीज हम लाने वाले हैं जहां आपको अभी ये जो ऐड सीरीज हमने बताया था ये फ्रैगमेंट में था, लेकिन अब मैं बताऊंगा आपको
क्या बोलते हैं एक्टिविटी में, लेकिन कुछ कुछ जो एड सीरीज है जैसे हो गया हमारा नेविगेशन, सॉरी नेविगेशन नहीं, नेटिव एड का जो था वो बचा हुआ है, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में रिकवर करेंगे। बट अभी जो है ना, अभी हम उसको नहीं कर सकते, वजह क्योंकि हमको नेटिव एड का भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। नेटिव एड के लिए मैं आपको स्पेशल एक बनाऊंगा ऐप, जहाँ हम यही मल्टी वेब व्यू को हम नेटिव एड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसको नेटिव एड बनाने का जो स्पेस है कैसे बनाते हैं, वो आपको एक नया तरीका में मैं सिखाऊंगा। और वो जो रहेगा एक फुल कंप्लीट वीडियो, मतलब कि 2 घंटा 3 घंटा जो रहता है ना वीडियो, उस तरह का रहेगा, उसमें आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपको मैं बताना चाह रहा कि कैसे इसको यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।